यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि जो करंट प्राइस है PS4 का ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे वो क्या है। तो चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ मैं लिखता हूँ PS4। अब आप देखिए यहाँ पे सारा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, और आप देख पा रहे हैं ऊपर PS5 की ब्रांडिंग दिख रही है हमको। और अगर हम नीचे जाते हैं तो देखिए सारा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है, साफ लिखा है कमिंग सून, और ये जब कमिंग सून आएगा तब ये स्टॉक आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जो प्राइस दिख रहे हैं 29,000, ये अप्रॉक्स 35,000 तक पहुँच सकता है। अब अगर हम नीचे जाएं तो अगर हम ये देखते हैं PS4 Pro, तो आप देख सकते हैं सामने कि जो प्राइस है PS4 का वो ट्रेंडिंग में है। प्राइस है 51,990 रुपीज़। मतलब ये इतना ज़्यादा है, मतलब 51,000 रुपीज़ इतने ज़्यादा, मतलब कोई सोच नहीं सकता कि PS4 है उस प्राइस पे भी कभी मिलेगा जिस प्राइस पे आज लोग PS5 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऊपर से आप देख पा रहे हैं ये साफ लिखा है बाय का ऑप्शन, अगर आप इसको बाय करेंगे तो ये बाय भी हो जाएगा। मतलब आप देखिए खुलेआम पब्लिक को लूटा जा रहा है, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि अभी उनके पास स्टॉक नहीं है और वो ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। और ये देखिए कि PS4 कंसोल प्लस एक्स्ट्रा रिमोट फिर से वही 50,000 रुपये का, मतलब ये बिल्कुल लूट है। तो चलिए अब मैं आपको लिस्ट चलता हूँ हमारा जो अमेज़ोन है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा दूँ अमेज़ोन जाने से पहले कि जो PS4 के गेम के प्राइस हैं वो क्या हैं। मेरे हिसाब से ये प्राइस अभी ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ प्राइस देखिए, प्राइस ओके हैं जो हमको मिलते हैं नॉर्मल, लेकिन जो प्राइस है कंसोल के वो इतने ज़्यादा बड़े हैं, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। तो चलिए अब खोलते हैं अमेज़ॉन। मेरे हिसाब से अमेज़ॉन का इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है PS4, ऊपर सर्च करा है, यहाँ देखिए सारे PS4 के गेम आ चुके हैं लेकिन कहीं भी कंसोल नहीं दिख रहा। अगर आपको शक है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आगे लिखता हूँ मैं कंसोल, कंसोल लिखने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं आ रहा। अगर आपको अभी भी शक है तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको लिख के यहाँ पे PS4 Pro। देखिए यहाँ पे भी स्टॉक नहीं है, इससे अच्छा हमारा फ्लिपकार्ट है, कुछ तो वो दे रहा है, लेकिन जो दे रहा है वहाँ पे लूट मची हुई है। मेरे हिसाब से यहाँ पे अमेज़ॉन ने काफ़ी अच्छा काम करा है, उनको पता है उनके पास स्टॉक नहीं है, तो क्या ज़रूरत जो चीज़ हमको मिल जाती है 25-30 हज़ार के आसपास, उस चीज़ को 25-50 हज़ार हम क्यों दिखाएं, मतलब हम अपने कस्टमर को क्यों लूटें। तो आप साफ देख पा रहे हैं ये जो चल रहा है मार्केट में ये बहुत ही बुरी चीज़ है, और जल्द से जल्द इनको ये प्राइस नॉर्मल कर देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को PS4 लेना है वो अभी लेंगे जो करंट टाइम है, क्योंकि 2-3 महीने बाद जब PS5 आएगा तो शायद लोग, अगर उनको PS4 इस प्राइस में मिलेगा 50,000 के आसपास, तो लोग कहीं ना कहीं PS5 को प्रेफर करेंगे और PS4 को कोई भी नहीं लेगा। सोनी को जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए ताकि जो उनके कस्टमर हैं जो अभी PS4 लेना चाह रहे हैं वो ले पाएँ अपने बजट में, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे PS4 अवेलेबल नहीं है, बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोग ये ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है फिर वो है ऑनलाइन का, लेकिन ऑनलाइन में अगर ऐसा चलेगा तो कौन लेगा। तो जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए,
या फिर जो प्राइस हैं फोन कोई एक्शन ले और इन प्राइस को नॉर्मल लाए। देखते हैं आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे एक चल रहा गिव अवे रेड डेड रिडेम्पशन 2 PC गेम का, जो है स्टीम अकाउंट। तो अगर आपको चाहिए तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, जहाँ पे उसकी लिंक मैं दे रखी है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय।